तो यहाँ की सिचुएशन ये थी कि एक तरफ 1000 फीट की खाई थी, एक तरफ पूरी बर्फ थी, रोड पूरी ख़राब थी और टेम्परेचर था -3। और यहाँ पे मैं खाई में जस्ट गिरते गिरते बचा, जस्ट इस मोमेंट पे। ये देखिएगा अभी, ये यहाँ पे मेरी बाइक डिसबैलेंस है और मैं गिरते गिरते बच गया। भगवान का लाख शुक्र है, क्योंकि मैं अगर उस खाई में गिर जाता तो शायद ही मेरे बचने का कोई चांसेस रहते। लद्दाख कैमरा बंद कर दो, कैमरा लाउड नहीं है ना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक और ये सेकंड पार्ट है मेरी सोलो लेह लद्दाख राइड का। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 1000 किलोमीटर बाइक एक दिन में चलाई है। तो आज मैं दिल्ली से निकला हूँ और मेरा टारगेट है मनाली पहुँचने का। देखते हैं कि आज मैं मनाली पहुँच पाता हूँ या नहीं। तो ये अभी मैं हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुका हूँ, अभी मैंने हरियाणा क्रॉस कर लिया है। तो देखिए, ये ब्रिज मेरे को काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि इसके नीचे से काफ़ी सुंदर नदी बह रही थी। आप शायद कलर देख सकते हैं उसका वीडियो में कि वो कितना साफ़ पानी है। और ये मैं फाइनली हिमाचल में एंटर कर चुका हूँ इसी के साथ। तो इस मोमेंट पे फाइनली मेरे घर से ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब फाइनली मेरे को हिमालयन रेंज दिखना स्टार्ट हो गई थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, खुद की पर्सनल बाइक पे हिमालयन रेंज में होने का जो मज़ा होता है ना, वो शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। जैसे ही मैंने हिमालयन रेंज देखी, मुझे मतलब इतनी अच्छी फीलिंग हुई जिसको मैं आज बयां भी नहीं कर सकता। तो ये मनाली वाले रूट की एक खासियत है कि सारे रोड्स में आपके साथ पैरेलली एक नदी बहती रहती है, जिसकी अपने आप में ही इतनी सुंदरता होती है। क्योंकि आप वो नदी के पैरेलली ट्रैवल करते हैं तो आपको पूरी आगे तक वैली का व्यू दिखता रहता है। तो ये मनाली का जो रूट है उसमें कभी भी जाम लग सकता है, वो इसीलिए क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये देखिए, क्योंकि मैं बाइक पे था, मैं जाम को ओवरक्रॉस कर पाया। मैंने सारी गाड़ियों को ओवरटेक किया और फिल्टर करके मैं फटाफट आगे पहुंच गया। पर यही चीज़ अगर मैं कार में होता तो मैं नहीं कर पाता। तो फिर फटाफट मैंने अपनी बाइक को ट्रैफिक के बीच में से फ़िल्टर किया और मैं मनाली पहुंचने की तैयारी में था। तो ये टनल मेरे सफ़र की पहली टनल थी और मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी लंबी टनल में खुद की बाइक चला रहा था। शायद इसका नाम नेहरू टनल है, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस। पर ये टनल के अंदर एकदम से जैसे ही मैं घुसा तो इतनी जम के ठंडी लगी, ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से फ्रिज के अंदर ला दिया हो मेरे को। पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और ये टनल सही में बहुत खूबसूरत थी। तो फाइनली मैं मनाली पहुंच चुका हूं और मनाली पहुंच के मैंने दो लोग से फ्रेंडशिप करी, जो कि थे लेह लद्दाख के रहने वाले। अगर मैंने इनसे फ्रेंडशिप नहीं की होती तो मेरा लद्दाख जाने का सफ़र बिल्कुल ही अधूरा रह जाता, वो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी हिम्मत पूरी तरीके से हार चुका था। अगर ये दोनों मुझे नहीं मिले होते तो मेरे पास सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं रहता। और सोलो ट्रिप में ना, आप कितना भी कुछ हो, कभी ना कभी आपकी मोटिवेशन लूज़ होती ही है। तो अगर आप सोलो ट्रिप्स में जाके दोस्त बना ले तो उससे आपकी मोटिवेशन हाई रहती है और आप आपकी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं फिर। तो ये मॉल रोड मनाली का वीडियो है, तो जितने भी टूरिस्ट मनाली घूमने आते हैं वो ये रोड ज़रूर जानते हैं और ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे। तो एक दिन ऐसे ही लोकली मनाली सिटी एक्सप्लोर करने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग लद्दाख के लिए निकल पड़े। अगले दिन जब हम निकले तो सुबह से बारिश चालू थी, उसकी वजह से सारे जो क्लाउड्स हैं वो एकदम नीचे आ चुके थे, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। और मनाली सिटी सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस पार्ट को एडिट करते हुए ही मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हुआ था मेरा सपना पूरा। मैं अटल टनल में जाने वाला था, वो भी खुद की बाइक से। तो इस टनल में जाने के बाद आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आप टनल के अंदर फ्यूल कैरी नहीं कर सकते फॉर सेफ्टी रीजंस। एंड वो जनरली एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो बेसिकली इसके आगे जिस्पा आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, पर हम लोग लद्दाख जा रहे थे तो मैंने उनको लद्दाख बताया। लद्दाख कैमरा बंद कर दो, कैमरा लाउड नहीं है ना।
तो गाइज ये है अटल टनल। इसके अंदर एंटर करते से ही आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये इतनी सुंदर टनल है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे आपको अपनी कंट्री के लिए एकदम प्राउड फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार इंडिया भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बिल्ड कर सकता है। तो इस टनल में कुछ स्पीड लिमिट्स हैं 50 और 60 की, वो इसीलिए क्योंकि टनल में हाजार्ड्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जब स्टार्टिंग में ये टनल स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं थी, तो लोग इसमें काफ़ी तेज़ चलाते थे और जिनके पास सुपर बाइक्स होती थी स्पेशली वो यहाँ पे 200 से 300 की स्पीड में भी चला सकते थे। वो इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट बनाई हुई टनल है। इस टनल से बनने के बाद लेह मनाली का जो डिस्टेंस है उसका टाइमिंग में काफ़ी फ़र्क आ चुका है और हमारी मिलिट्री को भी काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि रोहतांग पास में विंटर्स के टाइम जब स्नो गिर जाती थी तो मिलिट्री के व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाते थे। तो मेरा सल्यूट रहेगा जिन लोगों ने भी इस टनल को बनाया है और हमारी इंडियन मिलिट्री और टूरिज़्म के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो क्योंकि मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर रहा था, मैं काफ़ी थक गया था यहाँ तक पहुँचते, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक स्विच कर लेता हूँ इन लोग के साथ, क्योंकि ये दोनों एक ही बाइक में थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग मेरी बाइक चला लीजिए और फिर थोड़ा सफ़र मैंने एज अ पिलियन तय किया। तो मनाली से लद्दाख का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और क्योंकि मैं इतने ऊंचे पहाड़ पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा था तो सच्ची में मुझे तो इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही थी, मेरे को हर पार्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पहुँच के हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि हमको सीनरी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे क्योंकि हम लोग सुबह से नॉन स्टॉप राइड कर रहे थे रेन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नदी थी और सारे मिलिट्री के ट्रक्स क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे जिस्पा। ये एक बहुत ही सुंदर टाउन है पर क्योंकि ये अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन ही नहीं हुआ है, तो जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पे देखेंगे वो काफ़ी टेम्पररी और नेचुरली बिल्ड है। ये चीज़ इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हर टाइम विंटर्स के टाइम इतनी ज़्यादा स्नो गिर जाती है कि यहाँ पे आप रह नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम स्नो देखा था अपनी लाइफ में। जब आप फर्स्ट टाइम स्नो देखते हैं ना, आपका मन बिल्कुल एक बच्चे जैसा हो जाता है। मतलब मेरे को स्नो देख के इतनी मज़ा आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा खेला उससे, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़, पर मैं जब फर्स्ट टाइम स्नो देखा था ना, मैं बिल्कुल बच्चा बन गया था और उसके साथ बहुत ज़्यादा खेला। तो यहाँ पे हम लोग मिलिट्री वालों से ऐसी बात कर रहे थे क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो गया था, तो हम लोग को इनकी स्टोरीज़ भी सुनने मिली। मतलब काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े थे और मिलिट्री वाले यार सही में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप कभी भी लद्दाख या कश्मीर घूमने जाते हैं तो आप उन पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपकी हर सिचुएशन में हमेशा हेल्प करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अगले पार्ट में आप सूरज ताल लेक देखने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेक है, क्योंकि उसके चारों तरफ स्नो ही स्नो है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत है वो कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप सच्ची में धरती में हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। थैंक यू।